वेलकम व्यूअर्स, आज का हाउस प्लान टू बेडरूम हाउस प्लान, बहुत ही छोटा जगह में हमने आज टू बेडरूम हाउस प्लान बनाया हूँ। सो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। 9 कॉलम में हमने टू बेडरूम हाउस प्लान बनाया हूँ। जो बिल्डिंग का एरिया होगा ये 460 स्क्वायर फीट का है, और जो साइज है फेस मिल रहा है 20 फीट, और बिल्डिंग का जो लेंथ है ये 23 फीट है। सो 20 फीट बाई 23 फीट हमारा जो बिल्डिंग का चौड़ाई है ये 20 फीट है, और लंबाई जो है 23 फीट है। सो 460 स्क्वायर फीट का हाउस प्लान है, 9 कॉलम में मैंने बनाया हूँ। सो व्यूअर्स, चलते हैं, पहले कॉलम हमने इरेक्ट कर लेते हैं। ये डिजाइन के हिसाब से मैंने कॉलम प्लेसमेंट करके रखा हूँ। इसको 10 फीट तक हमने उठा लेते हैं, क्योंकि जो बिल्डिंग का हाइट है ये 10 फीट रखा हूँ। और कॉलम का जो साइज होगा ये 10 इंच बाई 10 इंच का है, ये मिनिमम साइज है। व्यूअर्स, आपको जो 9 कॉलम दिया गया है इसमें जो हमने स्टील यूज करेंगे ये मिनिमम जो स्टील होगा 12 mm का स्टील होगा, और स्टीरअप होगा 8 mm का। ये हमारा देखिए 9 कॉलम है, हमने ग्रिड में रखा हूँ। जस्ट जो फ्रंट वाला साइड में कॉलम है ये थोड़ा सा इसका बीम अलग सा होगा। ये स्टेयर बना लिया हूँ, स्टेयर का जो डिटेल्स है ये भी आप लोगों के साथ डिस्कस बात करेंगे। या आप चलते हैं, इसका जो वॉल और वॉल के साथ साथ हमने डोर विंडो भी यहाँ पे बना के रखा हूँ, जिसमें कि हम इजीली इसके डिस्कस कर सके। इस बार हमने देख लिया हमारा जो फर्नीचर लेआउट, ये भी हमने लेइंग कर लिया हूँ, जिसमें कि 2 बेडरूम किचन डाइनिंग हॉल। अब चलते हैं, हमारा डायमेंशन डिटेल्स देख लेते हैं। पहला जो चीज़ है बिल्डिंग का वो है हमारा प्लिंथ हाइट, मतलब रोड लेवल से हमने बिल्डिंग को कितने हाइट में रखना होगा। ये हमारा प्लिंथ हाइट है, 1.5 फीट है। सो चारों साइड में मैंने प्लिंथ प्रोटेक्शन करके रखा हूँ, जहाँ पे हमने वाटर लॉगिंग एरिया बोलते हैं, जो वाटर से बचा के रखता है बिल्डिंग को, वो प्लिंथ हाइट है, जिसमें हमने DPC कटते हैं। 1.5 फीट के हिसाब से मैंने यहाँ पे 3 स्टेप यहाँ पे प्रोवाइड किया हूँ, और जो मेन एंट्रेंस होगा मिनिमम साइज 3 फीट 6 इंचेस बाई 7 फीट का है, ये मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया हूँ। और जैसे हमने मेन एंट्रेंस से एंट्री किया, सो हमें पहले ही मिलेगा स्टेयर केस पैसेज, जिसमें कि स्टेयर मैंने बिल्कुल बाहर में दिया हूँ, अलग से दिया हूँ, जिसमें कि आप लोग अगर इसको रेंट में देना चाहेंगे तो आराम से हो सके। बिल जो स्टेयर का चौड़ाई है ये है 5 फीट, मतलब 2 फ्लाइट का है, हर फ्लाइट में 2.5 फीट 2.5 फीट का स्टेयर दिया हूँ। जगह छोटा है सो उसी हिसाब से बनाया हूँ। लंबाई में हमें मिलेगा 12 फीट 9 इंच। मैंने पूरा डिटेल सब लोगों के साथ दिखा रहा हूँ इसीलिए कि आप अगर ये घर बनाना चाहते हैं सो आपको ना दिक्कत होगा। सो आप चलते हैं, जो स्टेयर का लेंथ है, मतलब चौड़ाई कितना है, लेंथ कितना है, ये जो लेंथ है ये 2.5 फीट रखा हूँ, और जो चौड़ाई है स्टेप का ये 9 इंच है, और जो राइजर है हाइट होगा ये हमारा 6 इंच का है, जिसमें कि ये जो हाइट है व्यूअर्स बहुत ही कंफर्टेबल है। इससे ज़्यादा करेंगे आप चढ़ने में बहुत दिक्कत होगा। सो अब चलते हैं, हमारा जैसे स्टेयर केस का वैसेज है उसमें एंट्रेंस के बाद ही हमें मिलेगा हमारा हॉल में, हॉल में जाने के लिए अलग सा, और एक हमने डोर प्रोवाइड किया हूँ। सो जैसे ही हमने डोर से एंट्री किया सो हमारा मिल गया हमारा हॉल रूम है, लार्ज हॉल है, 13 फीट 2 इंच में 13 फीट 2 इंच बाई, इस साइड में हमें मिलेगा 6 फीट 4 इंच का है। और डाइनिंग के जस्ट बाजू में ही हमने दिए हैं हमारा किचन रूम, और डाइनिंग में हमने दोनों साइड में, एक साइड में एक विंडो और एक साइड में हमने किचन प्रोवाइड किया हूँ। किचन का जो साइज है ये 6 फीट 4 इंच बाई, इस साइड में हमें मिलेगा 5 फीट 7 इंच। इसमें मैंने एक ही विंडो प्रोवाइड किया हूँ, जिसमें साइज है 3 फीट बाई 3 फीट का है। सो आप चलते हैं, हमारा जो हॉल रूम से जुड़ा हुआ है टॉयलेट है, टॉयलेट एंड बाथ साथ में दिया हूँ, जिसका साइज 6 फीट बाई, इस साइड में हमें मिलेगा ये 5 फीट का है, काफ़ी अच्छा है। और इसमें हमने एक ही वेंटिलेटर प्रोवाइड किया हूँ, जिसका साइज 2 फीट बाई 2 फीट। इसको आप लोग और बड़ा और छोटा कर सकते हैं। आप चलते हैं, हमारा जो बेडरूम के और 2 बेडरूम दिया हूँ पीछे साइड में दिया हूँ, जिसमें कि प्राइवेसी भी बहुत बढ़िया से हुआ है। सो उसका देख लेते हैं। और बेडरूम का जो डोर साइज होगा ये 3 फीट 4 इंच बाई 7 फीट का है। 3 फीट से तो नीचे रखना नहीं चाहिए, सो मैं उससे भी ज़्यादा रखा हूँ। और बेडरूम का जो साइज़ है 9 फीट 5 इंच बाई, इस साइड में हमें जो मिलेगा ये 10 फीट का है, 10 फीट बाई 9 फीट 5 इंच का है। इस बेडरूम 2 विंडो दिया हूँ, 4 फीट बाई 4 फीट 6 इंचेस का है।
सो व्यूअर्स, आप चलते हैं दूसरा बेडरूम में। और बेडरूम का डोर साइड सेम है, बेडरूम का साइज 9 फीट 4 इंच बाई 10 फीट का है। सो व्यूअर्स, आज का जो हाउस प्लान है आप लोगों के साथ बिल्कुल डिटेल्स शेयर किया हूँ। सो व्यूअर्स, आप लोगों को कैसा लगा मेरा हाउस प्लान थोड़ा कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगा तो लाइक करिए, दूसरे के साथ शेयर भी कर दीजिए जिसमें कि वो देख सके। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने रोज़ यहाँ पे नया नया एक हाउस प्लान डालता हूँ जो कि आपको देखने मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।